मेरे कुछ नौजवान लोग जो है वो बारिश में भीग रहे हैं और मैं अगर जैकेट पहनकर अपने आप को बारिश से बचा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आंधी आएगी तूफान आएंगे तो हम साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। कुछ लोगों ने पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी के झंडे नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के झंडे से ऊंचा अगर कोई झंडा है तो मेरे देश का झंडा है, वो मेरा तिरंगा है जो आज मुझे ये इख्तियार देता है। इस मुल्क के अंदर मैं सरकारों के खिलाफ भी आवाज उठा सकता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले से हमने इस जुलूस की शुरुआत की। किसी ने पूछा कि कितने लोग आएंगे, मैंने कहा कि कितने आएंगे मायने नहीं रखता है, लेकिन इम्तियाज जलील ने जो पहले वादा किया था कोई आए ना आए मैं अकेले खड़े रहूंगा तुम्हारी आँख में। बारिश आ रही है, लोग आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की ताकत है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर अगर हम आकर खड़े रहे तो अच्छे अच्छे अरे मान कर चलता हूं कि किसी भी शहर का नाम के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, हमारी शख्सियत जुड़ी होती है। पिछले न जाने कितने सालों से औरंगाबाद शहर अपनी तारीख के लिए जाना जाता है, इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ के सूफी संतों की वजह से औरंगाबाद शहर जाना जाता है और महज 30 साल पहले बाबा साहब ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि ये शहर का नाम हमें बदलना है। पिछले 30 सालों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया तो यही वो शिवसेना, यही वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शहर के नाम के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। आज जब ये फैसला लिया गया तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि किसी छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में, आदर में, सम्मान में नहीं लिया गया। जब कुर्सी लड़खड़ाने लगी, पैर कब्र में लटके हुए नजर आने लगे तो बोले चलो 20 साल से दुकानें उन्हीं के नाम पे चला रहे थे, आखिरी बार फिर से चला लो। उन्होंने तो ले लिए, एक शिवसेना दूसरी तैयार हो गई। उन्होंने उन्हें गलत लिया, उसका ठहराव है कि गलत है वो ठहराव, मैं लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं, उनको अधिकार नहीं था, हम लेने वाले। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज ये प्यार आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था,
इन महापुरुषों के लिए तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी तक लगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। ए सुनो, ए सुनो, और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मन करना चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा, और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री हैं, हम मंत्री हैं, हम जो फैसला ले रहे हैं मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। ये लाल गंगा खाते हैं हमारे चक्कर को पड़े और हम वो पार्टियों की तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो गलत बैठ उठो। अब जब हमको बोलते हैं बैठो तो बैठ गए, यही नहीं बोलते। पार्लियामेंट के अंदर दो है, अशोक भाई का जो भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, मैं सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बता रहे तो वहां पे हम नहीं डरते हैं तो तुम यहां पे हमें लगाने के लिए लिखते हो। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं, इतने सारे बोल के मैं सब अब्बा थे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आप लोग आओ, कहीं रेखा काम है माझी बहन उठी आहे, तिचं नाव रुसाना नाही आहे, रेखा आहे। रेखा बाबांनो ऐकून घ्या, दोस्तो आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जहां पर कई सारे फैसले हम पर लादे जा रहे हैं। ये मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, आवाम बड़ी होती है। ये आवाम है जो हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जोर जबरदस्ती करके ये जो फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले हम पर लाते जा रहे हैं, हमारा साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, फुले शाहू हो, इन लोगों का नाम हमने कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया है। अगर तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई शहर बनाना है, नाम रखना है, तो एक अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाओ और उसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि इस अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर जो है उसका नाम संभाजी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। आज
ये समझ रहे हैं कि हमारी जिन पार्टी की हुकूमत है हमने कर लिए। सेना का तो समझ में आ रहा था, कल एक साहब आके गए, दो दिन रुके, जगह था, पास हुआ तो बोले नहीं, ये तो फैसला लिया गया है, ये सर्वसम्मति से लिया गया, हम भी थे उसके। लेकिन फिर हुआ क्या, यहां के जो है ना पूरे भागवत के पास बोले साहब नाम नाम का तो पता नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कुछ तो करो। तब वो आए, पहले बोले सर्वसम्मति से हुआ, फिर कल बोलता गए नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं था क्या हुआ, हमको मालूम ही नहीं क्या हुआ करके। तो मैंने उनका वो भाषण और उनका ये भाषण दोनों को जोड़ा, मेरे फेसबुक पे डाला और उसके ऊपर लिखा शरद पवार जी झूठ बोले। सुने अब नहीं सुने तो उनको सुना दो कि हम वो नहीं है तुम जो बोलेंगे बैठो तो बैठ। एक बात फिर से सुनो, झूठ बोले और कहूंगा भी बहुत खतरनाक समझो। हमसे कहा गया कि आज ये आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं साफ तरीके से दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर रहने वाले कई सारे जाति धर्म और मजहब के लोग हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर औरंगाबाद की मांग कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम छत्रपति संभाजी महाराज का अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनकी उनके खिलाफ जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने जॉब फेयर रखा, ताजुब होगा आप लोगों को, 8000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक पार्टियों को जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं नौकरी नहीं नाम दूंगा तेरे। मेरी माँ और बहने इस शहर की कहती है कि 8-8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है तो कह रहे नहीं पानी नहीं नाम दे। यही मुद्दों को लेकर इतने सालों तक ये अपनी सियासत करते आए हैं। कुछ 2 महीने पहले यही शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जो भले ही शिवसेना के होंगे लेकिन मेरे भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां पर सांस्कृतिक मंडल के ऊपर एक भव्य मेला लिया और कहा कि नहीं हम पहले औरंगाबाद का विकास करेंगे, औरंगाबाद का विकास करेंगे और उसके बाद हम औरंगाबाद के नामांतर के बारे में सोचेंगे। 2 महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी चढ़ाए और क्या ऐसा कर डाले कि अचानक अब लड़ाई आपस में दोनों में यह चल रही है कि छोटी शिवसेना कौन सी बड़ी शिवसेना कौन सी। अरे जो लोग अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है वो हमारे शहर का फैसला लेने के लिए नहीं है। आज हम
सबको मेरे भाइयों मुतहद होने की जरूरत है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस महफिल के अंदर जितने लोग खड़े हैं वो सिर्फ एक जाति या एक धर्म या एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये वो सब नौजवान है, ये वो सब लोग हैं जो एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद और औरंगाबाद लड़ेंगे इंशाल्लाह, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, और हाँ आज की इस महफिल के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर के अस्तित्व की बात आएगी, अपने शहर के पहचान की बात आएगी, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। तो जो जो लोग आज इस महफिल में नहीं आए तुम्हारी तो वाट लगने वाली है, और सिर्फ किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं, कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है तो इसलिए हम नहीं ले सकते, जैसी लेंगे तो भारत साहब थोड़ा कोई नहीं, हम ही विरोध नहीं किए पहले बोटे ना, हम इतना प्रेम होता सरकार 2014 मध्ये किंवा सत्तेमध्ये बसता बसता सांगितलं होतं पाहिजे होतं, नाही मला हे सत्ता नाही, मला हे शहराचं नाव बदलायचं आहे, हे तो बोली दिया। नांदेडचे एक साहब आहे अशोक चौहान जी, चौहान साहब सुनो, नांदेड जी आने वाला हूं तुम्हारी बधाई के लिए, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि उन्होंने हमको इतिहास ही पढ़ा डाला, इतिहास कैसा था, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ था, इतिहास के अंदर क्या हुआ था, तुमने से इतिहास को मिटा नहीं सकते, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा है। मुंबई का वीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कहा कि नहीं हमें ये नाम नहीं चलता है, वो तख्ती हटाए और उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दे दिया। तुम ये समझ रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, किसी शहर का नाम देने से, किसी रेलवे स्टेशन का नाम देने से वो महान होंगे? नहीं, ये जितने महापुरुष अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन तुम ये सोच रहे कि इनका नाम दे तो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े हैं, तुम तो बड़े हो रहे हैं, जब ऐसी रहेंगे मेरे दोस्त के कैसे दो मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको हयात ही दे रहे हैं, और दूसरा ये इस ताल्लुक से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नौजवान लड़के मुझे गलत गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तो तैसा उत्तर दूं, तुम्हाला ओळखत नाही राजा
तुझा सारे की आए गलत गांव के चक्कर में मत फंसो। ये शहर हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, हमारे नौजवानों को रोजगार देना है, इस शहर की तरक्की के ऊपर हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। मैं आखिर में जाते जाते हमारी कृति समिति के जितने भी जिम्मेदारान है, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो अलग अलग जाति धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, एक चैनल में चला दिया। आज एमआईएम का मोर्चा निकल रहा है, उन्होंने कितनी मोहब्बत है तुमको एमआईएम से। ये हमारा नहीं, अकेले का नहीं है, ये हमारा है, हमारा ये हम सबका है, और हम सब मिलकर आए हैं एक ताकत बनकर खड़े रहने के लिए। और अगर ये समझ रहे हैं कि बारिश आई है, इतने ही लोग आए हैं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो है। यहाँ से शुरुआत हुई है, बस मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खासतौर से मेरे नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने दुकानें बंद करके आए हैं, जो अपने कारोबार बंद करके आए हैं सिर्फ अपने शहर से मोहब्बत के लिए। तो एक जोरदार ताली अपने खुद के लिए बना दीजिए। क्योंकि मैं जिन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो बहुत ताकतवर लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूं, पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूं और सामने मोदी जी और शाह साहब बैठते हैं, और उनकी आंखों में आंखें डालकर जब मैं उनसे सवाल करता हूं तो मुझे हिम्मत यहां से मिलती है, ये हिम्मत देती है। और मैं जिंदगी भर इस बात का एहसान रहूंगा मेरे भाइयों कि आप लोगों ने उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया। ये लड़ाई हमें और आगे भी लड़नी है, एक कानूनी लड़ाई भी हमें लड़नी है, हम सबको हाथ में हाथ डालकर तमाम राजनीतिक मतभेदों को हमें भूलना होगा। इस मुद्दे की खातिर मैं हाथ जोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि सियासत होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हमें अपने अपने राजनीतिक मतभेद हमें भूलना होगा, अपनी सियासी जो भी हमारी सियासी मफाद है उसको दरकिनार करना होगा, और एक आवाज के अंदर ये बोलना होगा कि नहीं, ये शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। बस जाते जाते एक नारा दोनों हाथ उठा कर करना, अरे दिखाना जब तक सूरज चांद रहेगा, और इंशाअल्लाह मेरा ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। बहुत बहुत